हिसार के नारनौन अनाज मंडी में सरकार की गलत नीति के चलते खुले में पड़ा किसानों व आढ़तियों का करोड़ों रुपए का गेहूं बारिश से भीगकर खराब हो गया। इसके लिए आढ़तियों व किसानों ने लगाए परचेज एजेंसी पर आरोप। लगातार खराब मौसम व सरकार की गलत नीतियों के चलते अनाज मंडी नारनौन में खुले में पड़ा किसानों व आढ़तियों का करोड़ों रुपए का गेहूं बारिश से भीगकर खराब हो गया। खरीदी गई गेहूं 91,379 क्विंटल जो अनाज मंडी में ही खुले में भीगकर खराब हो रही है। इसी बीच कांग्रेसी नेता उमेद लोहान ने मंडी में दौरा किया और आढ़तियों से मिले। मंडी के आढ़ती प्रदीप ने बताया कि नानोंद मंडी में अब तक 3,97,716 क्विंटल गेहूं आया है, जिनमें से सरकार द्वारा 3,69,079 क्विंटल गेहूं की खरीद की गई है। अभी तक किसानों का आढ़तियों की दुकानों के आगे 90,737 क्विंटल बिना बिके गेहूं ढेरों में पड़ा है। परचेस एजेंसी द्वारा खरीद की गई गेहूं में से दो 2,15,600 क्विंटल उठवाया जा चुका है, जो अनाज मंडी के आसपास ही लगाया गया है। बिना ढका होने के कारण रात हुई जोरदार बारिश में भीग गया है। खरीदी गई गेहूं 91,379 क्विंटल जो अनाज मंडी में ही खुले में भीग कर खराब हो रही है। कितना नुकसान हुआ बारिश से? बारिश से जी नारनौंद अनाज मंडी में हजारों क्विंटल जो है अनाज खराब हो गया है। वो नुकसान सिर्फ आढ़ती और किसान को है जी, और बार बार अधिकारियों के संज्ञान में लाने के बाद भी हमारी कोई बात सुन नहीं रहा है। हम बार बार अपील कर चुके हैं कि इन गेहूँ की खरीद कीजिए और इनका उठान कीजिए, परंतु किसी भी अधिकारी के कान पर रू नहीं जेंग रही है। हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं? सरकार के नियम है कि 72 घंटे के बाद ही माल उठ जाना चाहिए और पेमेंट आ जानी चाहिए। आज तक जो है 8 तारीख की जो बिडिंग हुई है, 8 तारीख की, आज तक वो माल नहीं उठा है और हमारे खातों में पेमेंट नहीं आई है, परंतु फिर भी हम एक बार नहीं बार बार जो है सरकार से मांग कर चुके हैं, हमारी खरीद कीजिए, हमारा माल उठवाइए, आढ़ती और किसान मरने से बच सके। बारिश से कितना नुकसान हुआ? किसी का कोई रास्ता ही नहीं है, और हज़ारों क्विंटल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नुकसान नारनौंद अनाज मंडी को हो रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि इसका हमें मुआवजा दिया जाए, आढ़ती को और किसान को इसका मुआवजा देकर ये घाटा पूरा किया जाए। बार बार हमारी यही अपील है और हमारे दाने खरीद। नारनौंद में देखते हैं, नारनौंद में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र में जितना ठगिया हुआ नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इतना किसी भी अन्य हलके में ये स्थिति नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो लॉकडाउन और कोरोना के बहाने किसान की, मजदूर की, आढ़ती की जो स्थिति सरकार ने बना दी है और लाचार कर दिया है, किस तरह किसान की खून पसीने की मेहनत से पैदा किया हुआ गेहूं आज सड़ रहा है, कबाड़ में जा रहा है, बदबू उठने लग रही है, ये इस सरकार के, इस डिपार्टमेंट को चलाने वाले मंत्री पे और यहाँ के विधायक के मुँह पर एक तमाचा है। यहाँ के स्थानीय विधायक है उनकी, देखिए जनता का काम है अपने वोट के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से अपना विधायक चुनना, अपनी ओर से वो पूरी ताकत उस विधायक के अंदर समाहित कर देते हैं। लेकिन जब आढ़ती एसोसिएशन या किसान उस विधायक के पास जाते हैं तो उसका जवाब होता है कि मेरी तो चल दिए को नहीं भाई, जब वोट लेने से पहले कोई बात या थपी थी के अग भाई मेरी तो चल लगी ना चल लगी, चलाना तो काम है विधायक का, ब्यूरोक्रेसी से बात करके लोगों की समस्याओं का समाधान करवाना। डिपार्टमेंट उनके जो JJP के नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनके पास फूड सप्लाई का डिपार्टमेंट है। ये फूड सप्लाई की परचेज आप जो देख रहे हो मेरे पीछे, पूरी फूड सप्लाई की परचेज है, न बिडिंग हो रही, न माल उठाया जा रहा, न पेमेंट दी जा रही। बड़े बड़े दावे किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितने करोड़ जारी कर दिए किसानों के लिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आढ़ती भी खड़े हैं, किसान भी खड़े हैं, 1 मई के बाद जो भी गेहूं नारनौंद मंडी में आया है उसके बाद उसकी कोई पेमेंट नहीं आई, और 60-70% लोडिंग बकाया है इनके बरना के पड़ी है, और ये कोई बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं है यहाँ के आढ़ती, ये भी जमींदार हैं सारे, इनके तो ज़मीन बिकण के हालात पैदा कर दिए सरकार ने। ये जो खराब होने लग रही है उठाने वाला कोई नहीं है, इनके अपने ठेकेदार हैं जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो सारा जो लॉकडाउन का समय है वो तो जनता की सेवा के बजाय आप लोगों ने बता दिया, शराब से पैसे इकट्ठे करने में, ठेकेदारों से पैसे इकट्ठे करने में। और जमींदार आज
इस चीज़ को भुगत रहा है। और नारायणों हल्के के लोग तो ये जो दादा पोते का खेल था, जो 7-8 महीने दादा पोता बन के खेल खेल लिया और ये वोट ठग ले गए इन लोगों के, उनकी तो हालत ऐसी है कि ना वो कहीं जा सकते हैं, किया जा सकता है। यदि आप कोई धरना प्रदर्शन जुलूस करोगे तो आप पे राजनीतिक जो किसी तरह का प्रदर्शन है रोक लगाई हुई है, वह आप मुकदमे दर्ज कर देंगे। जो भी एसोसिएशन कर सकती है अपनी ओर से, या जो हमारे जैसे सामाजिक लोग कर सकते हैं, जो किसान लोग कर सकते हैं, वो दर दर पे जा रहे हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं मानेगा तो अरती और ढुआण वाली हालत होगी। जड़े किसी बिना काल के एकदम 2000 ट्रैक्टर इकट्ठे हो गए और किसानों ने रोल बैक करने के लिए इनको मजबूर किया। जो ये आदमी ये कहते थे हम धान नहीं लगने देंगे, उन्होंने आखिर में ये कहना पड़ा अगर धान लगाओ, हमने तो सिर्फ सलाह दी थी। तो ये भाषा समझते हैं जोर, लोकतंत्र में जोर ज़बरदस्ती की भाषा की बजाय आदमी ने खुद सरकार ने समस्याओं पर ध्यान दे के उनका निदान करना चाहिए, न कि ये इंतजार करनी चाहिए वे लोग आंदोलन करेंगे या कोई बहुत बड़ा जुलूस आओगा या बहुत बड़े आंदोलन हो जाएंगे जब हम उनकी समस्या का निदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट A1 हरियाणा।